गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। ये देखिए सुबह का टाइम है और मम्मी लग गई हैं आज नहा धो के पूजा वूजा करके आज लग गई हैं अचार बनाने के लिए। आज मम्मी बना रही हैं हरी मिर्च और नींबू का अचार। हमारे घर में अचार जो है मम्मी के हाथ का दूर दूर तक फेमस है। मम्मी अचार बनाती हैं बहुत अच्छा। और ये जो है ना नींबू का और हरी मिर्च का, ये अलग बनेगा, ये थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा नहीं बना सकते, ज़्यादा ये गर्मी में ख़राब हो जाता है। तो बस ये इतना है कि ये थोड़े बहुत दिन चलेगा ना मम्मी, ये अचार जल्दी ख़राब हो जाता है ना। ये वाला अचार जो होता है ना नींबू हरी मिर्च का, तो ये तो मेरे ख्याल से शायद दो तीन महीने में हम खा ही लेंगे, ख़त्म ही कर देंगे असल में। और फिर मम्मी स्पेशल अचार बनाएंगी जो मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, खट्टा मीठा नींबू का अचार। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाती हैं, बहुत अच्छा बनाती हैं। और तो अभी देख दिखाती हूँ मैं आपको कैसे मम्मी पूरा अचार बनाएंगी। देखिए मिक्स कर लिया मम्मी ने सारा, ये वाला तो, और खट्टा मीठा भी दिखाऊंगी आपको कैसे बनेगा। और ये वाले नींबू भी मम्मी ने 5 किलो कट करके रखे हैं, ये खट्टा मीठा अचार बनाने के लिए हैं। और ये यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी। और वो नमक वाला अचार है, ये मुझे और इनको बहुत पसंद है, हम दोनों खाएंगे। और मम्मी को भी, मम्मी वैसे बनाती हैं अचार पर खाती नहीं है नींबू का अचार, लेकिन ये वाला मम्मी भी खाती है, ये वाला। और वो खट्टा मीठा जो है जो सबको पसंद है वो नहीं खाती है। तो वो हम खाते हैं, सब खाते हैं। तो चलिए जैसे कि आप देख रहे हैं आज मैं और मम्मी लग गए हैं अचार डालने में। मुझे नहीं आता अचार डालना पर मम्मी डाल रही है। मम्मी बहुत सालों से ही अचार डालती है, नींबू का खट्टा मीठा अचार बहुत टेस्टी बनाती है। और जैसे कि 5 किलो नींबू लिए हैं हमने, मम्मी ने 5 किलो नींबू क्या चाहिए 5 किलो नींबू को अच्छे से धो के फिर सुखा के, सुखाया था ना मम्मी, धो के सुखा के उनको फिर कट कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए एक नींबू में से 4 इस तरीके की ये बनाए हैं, 4 भागों में काट लिया है इसको। और अभी जो है ना 1 किलो नमक डलता है इसमें। 1 किलो जैसे ये हमने नॉर्मल सोल्ट लिया है तो उसमें से 900 ग्राम इसमें जाएगा और 100 ग्राम काला नमक डालेंगे। टोटल 1 किलो नमक डलता है 5 किलो नींबू के अंदर। ये मम्मी डालेंगे इसको और मिक्स करेंगी। और अचार जब भी बनाए ना तो एक हाथ का होना चाहिए, दो हाथ नहीं रखने चाहिए। तो इसलिए मैं इसे मिक्स नहीं करूंगी क्योंकि अभी तक मम्मी बनाती है, मम्मी के हाथ का अचार ना तो खराब होता है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। वो कहते हैं ना कि हाथ में ही स्वाद होता है, तो मम्मी के हाथ में बहुत स्वाद है हर चीज में। तो इसलिए मम्मी अचार बना रही है। ये मतलब 100 ग्राम बचा लिया है जो काला नमक ऐड कर रहे हैं ना उसके हिसाब से ये हमने बचा लिया है। लाल मिर्च भी आपने ऊपर रख दो, ऊपर गाइस। ये इसमें अब डाल दी मम्मी ने लाल मिर्च। लाल मिर्च क्या होता है, कलर एक तो बहुत अच्छा आता है नींबू के अचार का, और थोड़ा सा टेस्ट भी बिल्कुल मीठा मीठा नहीं लगता, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है जो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लाल मिर्च डाल दी है मम्मी ने थोड़ी सी, और अजवाइन मेरे ख्याल से 50 ग्राम अजवाइन डलेगी। 5 किलो नींबू में 50 ग्राम अजवाइन डाली है। और मिर्ची जो है एक दो मुट्ठी होगी ना मम्मी, मिर्ची एक मुट्ठी है, दो मुट्ठी है, एक मुट्ठी मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा नहीं तीखी करनी कलर के लिए। और ये डालेगी मम्मी काली मिर्च, काली मिर्च डालनी बहुत ज़रूरी होती है नींबू के अचार में। और ये भी इतना ही मतलब 1-1.5 मुट्ठी के आसपास काली मिर्च डाल दी है टेस्ट के लिए। मतलब वही है ना, पहले के लोग तो अंदाजे से काम करते थे, तो मम्मी अंदाजे से कर रही है पर अंदाजा भी बिल्कुल परफेक्ट। और ये डाल रही है 1.5 किलो चीनी, याद रखिएगा। और इस तरीके से बना के देखिएगा, सच में बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए इसको इस तरीके से मिक्स कर रही है मम्मी 1.5 किलो चीनी को। और इसी बहाने से आज मैंने भी सीख लिया है अचार डालना, नहीं तो मम्मी डाल देती थी चुपचाप। ये थोड़ी सी मिर्ची और डाल दिया, मतलब ये लगा लो 1.5 मुट्ठी मिर्ची डाल दिया, रेड चिली पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा अचार का। मतलब क्या होता है ना कि नींबू का अचार बनाना तो बहुत आसान है, बट जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो इक्वली डलने चाहिए, बराबर जो अंदाज़ा होता है मम्मी ने जो बताया है उस तरीके से।
तो अचार बिल्कुल इक्वल टेस्टी बनता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा मीठा ना बहुत ज़्यादा खट्टा, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो इतना ही मतलब आप करके ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको इस नींबू के अचार के इंग्रेडिएंट्स की डिटेल चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप बना पाएँ। और सच में ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे कहने से ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। बहुत ईजी है नींबू का अचार बनाना, मैंने भी फर्स्ट टाइम सीखा है मम्मी से। गाइस ये अचार को मिक्स करके मम्मी ने बॉक्स में भर दिया है, बिल्कुल कंटेनर जो आप लेना उसको अच्छे से धो के साफ करके धूप में सुखा के तब ले, क्योंकि अगर कंटेनर थोड़े सी भी गंदा है और धूप में नहीं रखा है तो अचार खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा जब भी अचार बनाएं कि आप जिस बर्तन में बना रहे हो बिल्कुल क्लीन हो, सूखा हुआ हो, पानी ना हो उसमें। अब जो है ना इस कंटेनर को धो के सुखा लिया था हमने, अब धूप में रखेंगे इस अचार को जो मसाला मिक्स किया है, ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, मसाला चीनी पिघल जाएगी और अचार गलना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम धूप में रखेंगे कम से कम 15 दिन मम्मी, 15 दिन अचार को धूप में रखेंगे, और फिर उसके बाद जो है इसको रख देंगे ऊपर, मतलब सेफ जगह जहाँ पे किसी के हाथ ना लगे। थोड़ा सा ध्यान रखो, अचार जब भी बनाते हो तो किसी का ज़्यादा हाथ नहीं लगने चाहिए। और उसके बाद फिर इसको हम गर्मियों में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 2-3 महीने लग जाते हैं ना तैयार होने में, इसको 2-3 महीने लग जाएंगे, मतलब गर्मियों में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो गर्मियों तक ये अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा इस अचार को। ये देखिए मम्मी के हाथ का अचार बन के रेडी हो गया है। जनवरी के महीने में डाले अचार बढ़िया रहा है। हाँ मम्मी कह रही हैं कि, मम्मी आप ही बोलो एक सेकंड, मम्मी मम्मी बोलेंगे, मम्मी आप बोलो। बोली है जनवरी के महीने में अच्छा रहता है अचार। हाँ मम्मी कह रही है कि हाँ। जनवरी के महीने में जब भी आप नींबू का अचार बनाओ ना, तो जनवरी के महीने में बनाओ, नींबू फ्रेश होते हैं और सर्दी का हाँ। अचार जो डलता है ना बहुत सही रहता है, खराब बिल्कुल भी नहीं होता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बर्तन आपका बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई पानी वानी का हाथ ना लगे, बच्चों के हाथों से थोड़ा दूर रखिएगा। मैंने भी इसमें ज़्यादा हाथ नहीं लगाए क्योंकि दो हाथ लगते हैं ना तो कहते हैं कि अचार खराब हो जाता है, किसी भी चीज़ का, आम का या किसी भी चीज़ का। बट ये नींबू का अचार सर्दी में ही डलता है और गर्मी में यूज़ होता है। तो गाइज अगर आप भी इस तरीके से नींबू का अचार बनाना चाहते हैं और आपको अच्छी लगी है रेसिपी, तो आप बनाइएगा जरूर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालना है नींबू, नमक, हाँ चीनी तोल कर। मम्मी कह रही है कि तोल के डालिएगा बिल्कुल चीनी। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं, 5 किलो नींबू लिए मम्मी ने और उनको धो के सुखा लिया, सुखाना मीन्स धूप में नहीं सुखाना, बस पानी ना रहे, पोंछ लीजिए किसी साफ टॉवल से। और फिर उसके बाद जो है उसको कट करके, जिस शेप में काटा है मम्मी ने उस शेप में कट करके, फिर उसको जो है उसमें ये मसाला मिलाना है। जैसे कि 5 किलो नींबू थे तो उसमें 1.5 किलो चीनी और 1 किलो नमक, 1 किलो नॉर्मल नमक को 900 ग्राम रख लो, थोड़ा सा बचा लो, पैकेट आता है ना थोड़ा सा बचा लीजिए, 100 ग्राम नमक बचा लो, 100 ग्राम काला नमक डाल दो उसमें उसकी जगह पे, और साथ ही में 2 मुट्ठी काली मिर्च जो कि डाली है 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम ये अजमान, 50 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम अजवाइन, मतलब अजवाइन साबुत बट काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के लिए और कलर के लिए, मेन ना थोड़ा चटपटा सा बनता है। गाइस जो पिछले साल अचार बनाया था ना, मैं वो दिखाती हूँ आपको कि बन के कैसा होगा ये 2-3 महीने बाद। ये देखिए एक सेकेंड, इस तरीके का हो जाएगा, ये देखिए पिछले साल का अचार है, इतना ज़्यादा टेस्टी है ना, ये देखिए गाइस ऐसा कलर आएगा इस अचार का और बहुत अच्छा लगता है खाने में। बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, थोड़े ही हैं, पर टेस्ट के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है और आप भी इस अचार को बनाना चाहते हैं और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊँगी, और आप ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। तो गाइज अभी ये सुबह का ही टाइम है, सबसे पहले मम्मी ने अचार बना दे क्योंकि अभी धूप निकलेगी, धूप में सुखा देंगे और मैं बना लेती हूँ नाश्ता। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया आज हमारा मम्मी, मैं सही बताऊँ उठी ना तो मम्मी नींबू काट रही थी, बस उठने से पहले ही नींबू काटने स्टार्ट कर दिए थे। मैंने सोचा स्पेशली मम्मी के नींबू के अचार के ऊपर एक वीडियो बना दी जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइज अभी मैं फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए बाय बाय।